हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं मल्टीग्रेन आटे से बढ़िया स्नैक्स। आप सबको पता होगा मल्टीग्रेन आटे में बहुत हेल्दी अमाउंट के डाइट्री फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए आज ये बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग को डो बनाना पड़ेगा। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए 1 कप आटा, आधा कप सूजी, फिर हम लोग को चाहिए आधा कप रागी का आटा, उसके बाद हम लोग डालेंगे आधा कप बाजरे का आटा, उसके बाद हम लोग डालेंगे आधा कप ज्वार का आटा, उसके बाद हम लोग डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और चिली पाउडर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम लोग डालेंगे 1 पैकेट इनो, रेगुलर इनो ही यूज़ कीजिएगा। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम लोग डालेंगे 2 चम्मच तेल और इसको अच्छे से स्पून की मदद से हिलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। फिर हम लोग को चाहिए 1 कप दही। इसको अच्छे से हम लोग सॉफ्ट डो बना लेंगे और इसको हमको रखना होगा कम से कम 3 से 4 घंटे ढक के। ये सब है स्टफिंग का सामान। तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्टफ्ड ब्रेड स्टिक। 3-4 घंटे बाद देखिए आटा किस तरह अच्छे से फूल चुका है। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। उसके बाद हम आटे की एक लोई लेंगे, उसको अच्छे से रोल करेंगे और एक रोटी के आकार में इसको शेप दे देंगे। इसमें अभी हम लोग गार्लिक बटर लगाएंगे, ये आप घर में भी बना सकते हैं। फिर ये मैंने घर पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाया है। अगर आपको इस सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें मैंने अभी कॉर्न डाला है, ये पनीर के कुछ स्लाइसेस छोटे छोटे करके रखे थे मैंने, वो डाले हैं इसमें। और अभी हम लोग वेजिस डालेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने डाला है कैप्सिकम, गाजर, इसमें अभी फिर हम डाल रहे हैं चॉप्ड अनियन, फिर टमाटोज, इसमें अभी हम लोग चीज़ क्यूब्स डालेंगे। मैंने चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अभी कॉर्नर में हम लोग पानी लगाएंगे और दोनों साइड को अच्छे से जॉइन कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हल्का सा चीरा लगाएंगे चाकू की मदद से। अभी हम इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाएंगे, गार्लिक बटर। इसमें अभी हम लोग लाल मिर्ची और काली मिर्च के पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। हम लोग का हेल्दी स्टफ्ड स्नैक्स रेडी है बेक होने के लिए। सबसे पहले हम लोग पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और एक एक करके इसको हम लोग पैन में रखेंगे। ऊपर से हम लोग तेल से ब्रश करेंगे। फिर हम लोग प्री हीटेड ओवन में इसको बेक होने के लिए रख देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट बाद देखिए हम लोग का स्नैक्स कितना अच्छे से रेडी हो चुका है और कितना यमी भी लग रहा है। सो आप लोग भी इसे घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी है और बहुत यमी भी। मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ने ट्राई किया है कि नहीं और आप लोग को कैसे लगा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।